हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक का न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024। तो रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने अपना न्यू एफडी रेट जो है वो लॉन्च किया है। तो क्या है नया फिक्स्ड डिपॉजिट रेट और क्या इंटरेस्ट रेट करेंटली प्रोवाइड कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक अपने कस्टमर को, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट में और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इंटरेस्ट रेट, तो उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है और फिर इधर आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट बल्क डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट लोन एंड एडवांसेस और फिर इंटरेस्ट रेट एनआरआई। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है और हम लोग आ चुके हैं पीएनबी का इंटरेस्ट रेट का वेब पेज में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इंटरेस्ट रेट सेविंग डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। पहले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इंटरेस्ट रेट सेविंग डिपॉजिट के बारे में, फिर मैं आप लोग को डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इंटरेस्ट रेट सेविंग डिपॉजिट के बारे में जानते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग को सेविंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेविंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट एग्जिस्टिंग जो था पहले 4/4/2022 से इफेक्टिव था और अभी जो है 1/1/2023 से इफेक्टिव। बिलो रुपीज 10 लाख जो है 2.70 दोनों केस में कोई चेंजेस नहीं है। 10 लाख टू 100 करोड़ 2.75 दोनों केस में कोई चेंजेस नहीं। 100 करोड़ एंड अबव जो है 2.75 पहले था और अभी जो है 3% कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अभी एफडी रेट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है और फिर इधर आप लोग देख सकते हो बोथ कैटेगरी दिया गया है, ठीक है। बिलो रुपीज 2 CR, 2 CR एंड अबव, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ बिलो रुपीज 2 CR के बारे में विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024 से इफेक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पीरियड एग्जिस्टिंग रेट पहले था और अभी जो है रिवाइज रेट 1/1/2024। ये नॉर्मल सीजन का इंटरेस्ट रेट है और फिर यहाँ पे सीनियर सिटीजन का और फिर सुपर सीनियर सिटीजन, तीनों केस में एग्जिस्टिंग रेट दिया गया है। सुपर सीनियर सिटीजन ग्रेटर देन 80 ईयर्स, सीनियर सिटीजन ग्रेटर देन 60 ईयर्स, पब्लिक के लिए लेस देन 60 ईयर्स, ठीक है। 7 से 14 डेज 3.50 और यहाँ पे 4% और यहाँ पे 4.30, ठीक है। कोई भी चेंजेस नहीं है, आप लोग कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और ये कंटिन्यू हो रहा है टिल 45 डेज तक। 46 से 60 डेज 4.50 और यहाँ पे भी 5% और यहाँ पे 5.30, कोई भी चेंजेस नहीं है। और ये कंटिन्यू हो रहा है टिल 179 डेज तक। 180 से 270 डेज 5.50 और यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 6% और यहाँ पे 6.0% था और यहाँ पे 6.50 सीनियर केस में और सुपर सीनियर केस में 6.30 और यहाँ पे भी 6.80 कर दिया गया है। 271 से लेस देन 1 ईयर 5.80 पहले था और अभी जो है 6.25, उसी तरह 6.30 पहले था अभी जो है 6.75 और यहाँ पे 6.60 और 7.05 कर दिया गया है सुपर सीनियर सिटीजन केस में, ठीक है। और 1 ईयर में 6.75 नो चेंजेस, ठीक है। 7.25 और 7.55 नो चेंजेस। ग्रेटर देन 1 ईयर टू 3 99 डेज यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है, तीनों केस में 6.80, 7.30 और 7.60। और 400 डेज केस में 6.80 था पहले और अभी जो 7.25, 7.30 पहले था अभी जो 7.75, 7.60 पहले था और अभी जो है 8.05 कर दिया गया है सुपर सीनियर सिटीजन केस में, ठीक है। 401 डेज टू 443 डेज नो चेंजेस, 6.80, 7.30 और 7.60, ठीक है। 444 डेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7.25 था और घटा के 6.80 कर दिया गया, 7.75 था, 7.30 कर दिया गया और 8.05 था, 7.60 कर दिया गया, ठीक है। 445 डेज टू 2 ईयर जो है 6.80, 7.30 और 7.60 नो चेंजेस, ठीक है। अबव 2 ईयर्स अप टू 3 ईयर जो है 7.0%, 7.50 और 7.80 नो चेंजेस, ठीक है। और उसी तरह अबव 3 ईयर टू अप टू 5 ईयर जो है 6.50, 7% और 7.30। अबव 5 ईयर अप टू 10 ईयर जो है 6.50, 7.30, 7.30 यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। और जो हाइस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 400 डेज में 7.25, 7.75, 8.05% फॉर नॉर्मल सीनियर और सुपर सीनियर केस में, ठीक है। और अगर आप लोग शॉर्टर ड्यूरेशन क्लिक करना चाहते हो तो 1 ईयर के अबव कर सकते हो, अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग लॉन्गर ड्यूरेशन क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग अबव 2 ईयर टू 3 ईयर कर सकते हो, 7%, 7.50 और 7.80 मिल जा रहा है, ठीक है। तो यह था न्यू इंटरेस्ट रेट जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ पीएनबी टैक्स सेवर स्कीम के बारे में और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो पीएनबी टैक्स सेवर स्कीम है ये इफेक्टिव है फ्रॉम 1/12/2022 से और यहाँ पे पब्लिक सीनियर सिटीजन स्टाफ मेंबर और रिटायर्ड स्टाफ, ठीक है। 5 ईयर का जो है 6.50, 7%, फिर 7.50 स्टाफ मेंबर और रिटायर्ड स्टाफ सीनियर सिटीजन केस में 7.5, ग्रेटर देन 5 ईयर टू 10 ईयर इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ध्यान रखने वाला बात है टैक्स अवर स्कीम में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा जो है फिक्स हो जाता है टू डेट डेजर्ट 10 ईयर, ठीक है। और आप लोग इमरजेंसी के वक्त पैसा विड्रो नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना है, लेकिन टैक्स का बेनिफिट आप लोग को मिल जाता है, ठीक है। नोट पॉइंट भी दिया गया, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो ये सब आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विनर टेक। थैंक यू।